करनाल जिला प्रशासन ने बुजुर्ग दंपत्ति के मकान के मामले को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया है। आपको बता दें कि पिछले 12 साल से बुजुर्ग दंपत्ति के मकान पर कब्जाधारियों ने कब्जा किया हुआ था। यह मामला करनाल में बड़ा गरमाया हुआ था। इसको लेकर हमने आपको पहली भी एक खबर दिखाई थी। इस मामले को सुलझाते हुए जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट तहसीलदार राजबख्श सिंह के नेतृत्व में बुजुर्ग दंपत्ति को कब्जा दिलवाने का कार्य किया गया। मजिस्ट्रेट राजबख्श सिंह ने बताया कि इनका मामला कोर्ट में चला हुआ था, जिसका फैसला आने के बाद जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने निर्देशानुसार पर आज यहां पर बुजुर्ग दंपत्ति को कब्जा दिलवाया गया है और किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना इस दौरान नहीं हुई है। बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से बुजुर्ग दंपत्ति को यहां पर कब्जा देकर रहने की अनुमति दी गई है। वहीं कब्जा मिलने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति बड़े खुश नजर आए। उन्होंने जिला प्रशासन का एवं मीडिया का धन्यवाद करते हुए कहा है कि इस मामले में लोगों को सबक लेने की जरूरत है। किराए पर मकान देते वक्त सभी पहलुओं पर जांच कर लेनी चाहिए कि कहीं उनके मकान पर कोई कब्जाधारी किराए पर लेने नहीं आया है। युवा बोलेगा मंच की ओर से एडवोकेट जेपी शेखपुरा ने बताया कि गत पिछले 3 महीने से इस मामले को मंच द्वारा बड़े जोशों के साथ उठाया गया था, जिसके मद्देनजर प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान देना बुजुर्ग दंपत्ति को उनका मकान दिलवाने का कार्य किया गया है। वहीं मकान पर कब्जा मिलने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति खुश नजर आए हैं। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। हाँ जी, आपके प्रयास से आज मकान खाली हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप और कितना समय लगा इसमें, क्या कुछ है इसमें? पहले तो हमारा प्रयास नहीं, हमारी बहन देखिए, देखा भाई ऐसे ऐसे इस मकान को देखने के लिए बार बार आती थी। 3 महीने से लड़ाई लड़ रही थी ये पुष्पा जी, बहन जी 3 महीने से लड़ाई लड़ रहे थे। पवन जी यहाँ पीछे खड़े हैं, अपने हनी जी हैं, ये कुछ भी सरदार जी हैं। तो ये 12 साल से ये मकान पे कब्जा था और हमारे को 3 महीने पहले ये जो बुजुर्ग औरत है या फूड सप्लाई में हेड क्लर्क रिटायर हुई है और इसका एक लड़का था, उस लड़के की डेथ हो गई थी। इसलिए करनाल के इन सभी क्रांतिकारियों ने, भाइयों बहनों ने इस इनका बच्चा पढ़ करके लड़ाई लड़ी थी 3 महीने पहले। आज इस लड़ाई का की जीत हुई है और बुराई की हार हुई है। कानून में लोगों की आस्था बढ़ी है और प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। और ये आज मतलब ये जो औरत इसमें रहती थी, इसको बिठाने वाला हेमंत ग्रोवर नामक एक आदमी था, जिसको 2 महीने से फोनों पे बात की जा रही थी पर नहीं सुनवाई थी। आज प्रशासन ने यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट नियुक्त होकर के सारा सामान बाहर निकाला है और बुजुर्ग आदमियों को जो किराए के मकान में रहते थे उनको अपना हक मिला है। और इस दौरान हमारे करनाल में, हरियाणा में, हिंदुस्तान में लॉकडाउन के दौरान एक जागरूकता आई है कि कोई भी कब्जाधारी दूसरे के मकान पर गलत निगाह मत रखे। क्या इसे दूसरे लोगों को क्या संदेश जाता है? जो कब्जाधारी है उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसा सीन देख करके। और जो बुजुर्ग आदमी हमारे, आपने देखा 20 दिन पहले एक महिला बुजुर्ग आदमी, उसकी भी डेड बॉडी बाहर मिली। आज से 1.5 महीना पहले एक और महिला बुजुर्ग, जो बुजुर्ग आदमी है ना वो कोठियों में रहते जरूर है पर उनको बहला फुसला करके, उनसे लिखवा करके उनको धक्के मार देते हैं। और कब्जाधारी सिविल मामला, जो हमारे देश का जो कानून है ये बड़ा लचीला है, इसके दौरान फायदा उठाते हैं और फिर उसके बाद कब्जा कर लेते हैं। तो ये संदेश गया है भाई, कोई भी हमारे शहर में, हमारे करनाल जिले में तो कोई ऐसा काम नहीं करती होनी, हमारी बहने सारी झांसी की रानी की तरह तैयार हो चुकी है, फिर मत कहना कि ऐसा ही हो गया जैसे मकान में आए हैं। प्रशासन का और मीडिया का और सभी संस्थाएं जो करनाल की हैं, सभी हमारे साथ साथ दिया हमारा, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है और भगवान सबकी उम्र बड़ी करे, जो जिन्होंने हमारा साथ दिया है भगवान सबका भला करे। ऐसा होता है कि हम सबको यही कहते हैं कि पहले किराए पर बिठाने से पहले सब मिला है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम तो सपना भी नहीं देख पा रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था, वो अपने होश खो बैठे थे और खून की उल्टी आई, बहुत हालत खराब चल रही है मेरे हस्बैंड लोग किराए के मकान इस हालत में। आज के जो ऐसे कब्जा कर रहे थे किराए के दार मकान मिलते नहीं है, हम दरवाजा, हमें चिंता थी कि हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। उस ऊपर वाले के धन्यवाद ही हैं कि जो हमें इस उम्र में अपने मकान में रहकर जिंदगी गुजारेंगे। क्लास 1 ऑफिसर मेरे हस्बैंड है, क्लास 2 गजेट ऑफिसर मैं रिटायर्ड हूँ, पर दूसरों के मकानों में रहना कितना मुश्किल होता है, ये तो परमात्मा सबको अपना ही मकान दे। तो
काफी मशक्कत करनी पड़ी आपको। हम तो इस गली में ऐसी बुरी बातें करती थी कि तू अपने हस्बैंड को इस गली में लेकर आई तो ऐसा करूंगी कि तेरे हस्बैंड का तुम मुंह नहीं दिखा सको। हम तो इस गली में आते डरते थे, पूरे पड़ोसी हमारे साथ थे पर हमारे में हिम्मत नहीं। जिला प्रशासन ने आज कब्जा दिलाया, क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हम गैसों का साथ दिया, जिनका जवान बेटा चला गया था और अकेले हस्बैंड वाइफ से तो हम सपना भी नहीं ले पा रहे थे कि ऐसा कभी दिन आएगा। सब करनाल के समस्त संस्थाओं ने और सब ने हमारा बच्चों ने सब बहुत साथ दिया है। क्या कार्रवाई की गई आज? आज हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के आदेश के मुताबिक मकान नंबर 325 सेक्टर 14 का विशंबर नाथ बुजुर्ग दंपति को आज कब्जा दिलाया गया। इनका कम से कम 10-12 साल से लगभग से किराएदार हेमंत ग्रोवर के पास था, कब्जा था, तो उसको आज खाली करवा के बुजुर्ग दंपति को आज कब्जा लिया। तो इतने दिन में कब्जा मिला है तो क्या कुछ कार्रवाई इतनी लंबी क्यों हुई? कोर्ट के ऑर्डर थे, ऑन मैरिज कोर्ट भी डिसीजन करती है, इसमें कोई टाइम लगता है। अभी कोर्ट में इन्होंने केस डाला था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अभी बड़ी जल्दी कोर्ट ने एक्शन लेके इनके किराएदारों के खिलाफ केस को उनके मकान मालिक करके आज कोई दिक्कत तो नहीं आई है यहाँ पर कब्जा लेते हुए? हमारे साथ ही प्रशासन साथ था, ऐसा क्या कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.